ऐसी बारिश में कुछ गर्मा गर्म नाश्ता खाने का मन हो तो सबसे पहले कौन सा नाम आता है? हाँ, पकोड़े। बारिश में आलू के पकोड़े और कांदा भजिया खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वेलकम टू आवर फूड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े और कांदा भजिया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पकोड़े का बैटर तैयार कर लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 1.5 कप बेसन लेंगे। बेसन में स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून तेल मिलाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर पकोड़े का बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर बनाते समय पानी एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। इससे बैटर पतले होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को छीलकर स्लाइसर से चिप्स बना ली है। चिप्स ना तो ज़्यादा पतली ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, बस ऐसी थिकनेस चाहिए। आलू की चिप्स बनके तैयार है। अब हम इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। चिप्स अच्छी तरह से धुल गई है। अब इसको अच्छी तरह से नैपकिन से पोंछ लेना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून कुकिंग सोडा और 2 टीस्पून गर्म तेल मिलाकर बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी। पकोड़े का बैटर बनके तैयार है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया है। अब आलू की चिप्स को बैटर में अच्छी तरह से डिप करके गर्म तेल में फ्राई करने के लिए रखेंगे। आलू के पकोड़े को मीडियम आंच पर फ्राई करना है। आलू के पकोड़े अच्छी तरह से फूल गए हैं तो हमारे आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं। पकोड़े में आलू कच्चे ना रह जाएं, इसके लिए सबसे पहले आलू की चिप्स को तेल में हाफ फ्राई कर लीजिए। उसको निकाल कर बैटर में डाल दीजिए और फिर उसके पकोड़े बना लीजिए। तो आपके आलू अच्छी तरह से पक जाएंगे और पकोड़े भी एकदम फूले फूले बनेंगे। आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं। अब हम कांदा भजिया बनाएंगे। कांदा भजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को ऐसे लंबा काट लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है। नमक मिलाकर प्याज को अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि इसके सारे लच्छे अलग हो जाएं। अब हम इसमें मसाले कर लेते हैं। सबसे पहले 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन मिलाकर बैटर बनाएंगे। सारा बेसन एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा बेसन मिलाकर मिक्स करते जाना है। इस बैटर में पानी नहीं मिलाना है। जो पानी प्याज में से निकला है उसी पानी से बैटर बन जाएगा। कांदा भजिया के लिए गाढ़ा बैटर बनके तैयार है। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। अब बैटर में से भजिया बनाएंगे। We'll be right back.
कांदा भजिया बनके तैयार है। यहाँ पे आलू के पकोड़े और कांदा भजिया को मैंने बेसन की चटनी और प्याज के साथ सर्व किया है। बारिश के इस मौसम को आलू पकोड़े और कांदा भजिया के साथ एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।